miss a moment of the action. Catch PSL 9 live on A-Sports. Tera vaada agar wafa hoga. Inne hamesha aapko maa ki ahmiyat thi. Lekin aapne mujhe beti samajhna to dur ki baat. कभी बहू के रूप में भी कबूल नहीं किया। गलती हो गई मुझसे सारा, जो मैंने नगीन की बातों पे अंधा एतबार कर लिया। मैं सीमा की औलाद को मारना चाहती थी। क्या? अल्लाह मेरे खुदाया, सारा ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। जब शेर अब्बे को पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। और मैं ऐसे इंसान के साथ एक सेकंड भी नहीं गुजार सकती जिसकी नजर में रिश्तों से ज्यादा पैसों की अहमियत हो। तेरा वादा अगर वफा होगा। सैम, अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ बिलाल, तुम कुछ अपसेट लग रहे हो? मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई जॉब मिलने वाली है। ना उम्मीद क्यों होते हो बिलाल? छूटी तसल्लियों से मैं बहलने नहीं वाला सैम। मैंने जो कुछ किया है उसने मुझे इश्तहारी मुजरिम बना दिया। जहां सीवी भेजता हूं मुझे फौरन याद आ जाता होगा कि ये तो वही है जिसने अपने जमीर का सौदा किया था। जो कुछ हुआ बिलाल उसमें सिर्फ मारिया की गलती नहीं थी, इसमें तुम्हारी अपनी मर्जी भी शामिल थी। सैम, मैं कई दफा मनाने की कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन बिलाल बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। बिलाल, कब खत्म करोगे अपनी नाराजगी? नाराजगी की बात नहीं है सैम, मेरा बस दिल नहीं करता उससे बात करने का। अगर ऐसा है तो अपने दिल को समझाओ, क्योंकि पहले ही तुम अपने दिल के कहने पर चलकर बहुत नुकसान उठा चुके हो। आप क्या जिंदगी भर का पछताओ अपनी जिंदगी में लिखना चाहते हो? सैम, पहले जैसा आप कुछ भी नहीं हो सकता। बिलाल, तुम कोशिश तो करो, क्या पता कि पहले से ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाए तुम दोनों के बीच। सैम प्लीज, मुझे इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी। आप मुझे छोड़िए, आप बताइए आप खुश हैं ना? मैं खुश हूँ। सैम, हम सोच रहे थे कि क्यों ना इस वीकेंड पे हम आप लोगों को डिनर पे इनवाइट करें। इस वीकेंड पे मैं यहीं हूँ, चंद दिन रहने के लिए आई हूँ। सैम, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह भी नहीं सकता? सैम, आपका अपना घर है, आप जब चाहें आकर रुकें, जितना चाहें रुकें। बिल्कुल सैम, बिलाल ठीक कह रहे हैं, आपका अपना घर है और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बिलाल जग कहिएगा। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती। छोड़ सैम। Thank you.
Come on, Sam, pick up the phone. हेडलाइन काट दी मेरी यार, क्या हो गया सैम? हाँ क्या हुआ? साहब वो सीमा बीबी के लिए खाना लेकर आई थी। सैम चली गई है, ले जाओ इसे। तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा है? वो चली गई है, ले जाओ इसे। किस किस्म के लोग हैं यार? खैरियत है सीमा, अचानक चली गई, किसी को बताया भी नहीं। शहीद ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया सारा। शाम को जिस अंदाज से वो आंटी से बात कर रहा था, मुझे तो हैरत हो रही थी, क्योंकि जिस शहीद को मैं जानती हूँ वो तो अपनी माँ का बड़ा फर्मा बरदार और रिश्तों को निभाना जानता था, और आज जिस शहीद से मेरा सामना हुआ, मैं उसके साथ एक भी सेकेंड नहीं रह सकती थी, इसलिए घर चली आई। आंटी भी बहुत मायूस हुई है शहीद भाई के रवैये से। होना भी चाहिए, क्योंकि आज शहीद ने सिर्फ आंटी का नहीं मेरा भी मान तोड़ा। पता नहीं हो क्या गया शहीद भाई को, यही तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ चली आई कि शायद उन्हें अपने रवैये का एहसास हो जाए। सैम, आप शहीर भाई से लड़के आए हैं? यही समझ लो, लेकिन लड़ाई अपने लिए नहीं, अपनों के लिए मोल ली। सैम आप बहुत अच्छी हैं, मेरी गलती है, मैं आपको इतना गलत समझती रहे और आपसे बिला वजह की लड़ाई मोल ली। इनसिक्योरिटीज इंसान से बहुत गलतियां करवा देती। तुम्हें और मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, यही काफी। लेकिन प्लीज इस सब के बारे में बिलाल को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं शहीर से नाराज होके आई हूं, पहले ही बहुत अपसेट है और परेशान हो जाए। आप बेफिक्र रहे, तुमसे बेहतर तो वो सीमा निकली, कम से कम उसे रिश्तों का तो लिहाज है। माँ लिहाज मुझे भी है, आप कभी मुझे समझने की कोशिश तो करें, तो मुझसे शिकवे ना हो आपको। हाँ जी कहिए। क्या आग लग गई है? ये अल्लाह खैर। मैं आ रहा हूँ। क्या भाई, भाई चले भाई, फैक्ट्री में आग लग गई है माँ। क्या फैक्ट्री में आग लग गई? ये अल्लाह खैर, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। आंटी क्या हुआ? फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा, आप खुद को संभालें। मेरे बच्चों की हिफाजत करना, बहुत मेहनत से मेरे बच्चों ने फैक्ट्री खोली। नहीं नहीं, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। आइए नीचे पानी पीजिए। पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया था यार, बस डिलीवर करना रह गया था। सब कुछ हाथ में मिल गया, संभाले खुद को भाई। सारी मशीनरी, पूरी फैक्ट्री, सब कुछ ही चल गया। कुछ नहीं होता भाई, हम दोबारा से मेहनत करेंगे, दोबारा से एक नई फैक्ट्री बनाएंगे। कैसे करेंगे अली, कैसे करेंगे?
मैंने मार्केट से बहुत सारा लोन उठाया हुआ था, अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी इस जगह पर। मेरे पास कुछ नहीं बचा है, I have nothing, absolutely nothing. से भाई, कैसे कुछ नहीं है आपके पास? हम सब इकट्ठे हैं, हम एक साथ हैं, मैं हूं आपके साथ भाई। तुम मेरा साथ हो के है, मैं बुरे वक्त में आपका साथ कैसे छोड़ सकता? आप भाई हैं मेरे। आप देखिएगा, आप अपनी हर मुश्किल में मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। मुश्किल में तो मैंने तुम्हें डाल दिया था, तुम रिश्तों का लिहाज किए बिना पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लिया था, पर अब देख मेरे सामने सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। मैं मार्केट का कर्जदार हो गया हूं यार, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, आई हैव नथिंग। भाई प्लीज ऐसा मत सोचे भाई, प्लीज ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, आप खुद को संभाले भाई, हम सब फिर से ठीक कर लें। सोचा ही तो नहीं था तभी ये हाल हुआ है, तभी ये हाल हुआ है मेरा। लगे तुम्हारे फूफो का फोन आया, शहीद की फैक्ट्री में आग लग गई है। मामा, मामा मुझे घर जाना होगा। किस हैसियत से जाना चाहती हो? शहीद तुम्हें निकाल चुका है। लेकिन मामा, शहीद को जरूरत होगी ढारस की। ढारस के लिए उसकी दूसरी बीवी मौजूद है वहां। ये क्या कर दिया नगीन, एक बार सोच लेती तो ये सब कुछ करते हुए आज रोना ना पड़ता। तुमने जितना सबसे सब कुछ बर्दाश्त किया, तुम्हारी एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। मैं क्या करती मामा, सपने में बिल्कुल अंधी हो गई थी, सिवाय सीमा को नुकसान पहुंचाने के मुझे कुछ नजर ही नहीं आता था। मुझे लगता था कि शहीद को वापस पाने का सिर्फ एक यही तरीका है। बेटा, किसी के लिए बुरा चाहकर अपने लिए अच्छे की उम्मीद रखना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर मुझे तुम्हारे वहां जाने के मकसद का पता होता ना, तो मैं तुम्हें कभी भी ना जाने देती। मैं जानती थी कि तुम्हारा सब्र जरूर काम आएगा। अभी ना सही, बाद में शहीर और शाजिया को तुम्हारी हक तलफी का एहसास होना था बेटा। मगर लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद शाजिया तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, और वो शहीद, वो तो शायद तुम्हारी शक्ल भी ना देखना चाहे। झूठी तसल्ली दे दे या उम्मीद का कोई सिरा थमा दे, लेकिन प्लीज मामा ऐसे तो ना कहे। माँ हो तुम्हारी, चाहते हुए भी तुम्हें बिखरते रोते नहीं देख सकती। लेकिन जो कुछ तुम करके आई हो ना, तो चाह के भी झूठा दिलासा नहीं दे सकती बेटा। पूछा मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। सब खत्म हो गया सर। शॉर्ट सर्किट इतना बुरा हुआ था कि चंद सेकंड्स में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले ली, सब कुछ राख हो गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा।
कभी कभी कुदरत सब कुछ देकर आजमाती और कभी सब कुछ छीन कर। आंटी ने जब से सुना है वो बहुत परेशान, तुम्हारे इतने रूड बिहेवियर के बावजूद उन्हें सिर्फ तुम्हारी फिक्र। मेरा अपना किया मेरे सामने आ गया सब। शुक्र करो शही, बर वक्त तुम्हें ठोकर लगी और तुम संभल गए, वरना शायद तुम अपने घमंड के अंदर अपने सारे रिश्तों अपनों को खो देते। रिश्तों को तो मैं अब खो चुका हूं, पूरा रास्ता सिर्फ मैं यही सोचता आया कि मां से कैसे नजरें मिलाऊंगा। जिस मां का मैंने दिल दुखाया है उसकी गोद में सर रख के मैं कैसे रहूंगा। बहुत गलत किया मैंने सर, बहुत गलत किया, सब कुछ मैंने अपना करना चाहा, लेकिन देखो मुट्ठी में रेत की तरह सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। कुछ नहीं बचा सर, कुछ नहीं बचा। हौसला करो शेख, तुम अकेले नहीं, हम सब तुम्हारे साथ। और अब प्लीज जाओ, आंटी से माफी मांगो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे माफ कर देना, मैं अपने आप को बहुत कुछ समझने लगा था। मुझे लग रहा था ये बिजनेस मैंने अकेले संभाला हुआ है, लेकिन मेरी कोशिशों के साथ साथ आपकी दुआओं का आसरा भी था। जहां आपका दिल दुखाया, जहां आपका मान तोड़ा मैंने, वहां सब कुछ सेकंड्स में चेंज हो गया। मां मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, यह जरूर है कि तुम्हारे रवैये से मेरा दिल दुखा था, लेकिन उस दुखे दिल से भी ना तुम्हें हिदायत मिलने की दुआ ही निकली थी। मां मां ऐसे तो मत करें, बाप आप हौसला हार जाएंगी तो हमें हिम्मत कौन देगा। बेटा माओ की हिम्मत औलाद से बनती है, जो कुछ हुआ ना उसे अल्लाह की मसलियत समझकर भूल जाओ और आगे बढ़ो। कैसे आगे बढ़ूं मां, अब तो कुछ नहीं है मेरे पास। क्यों कुछ नहीं है भाई, हम सब हैं ना आपके पास है, और हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे और दोबारा से बिजनेस शुरू करेंगे। भाई साथ इतना बुरा किया मैंने, फिर भी तुम मेरी हिम्मत बने मेरे साथ खड़े हो। क्योंकि भाई रिश्तों से ज्यादा अहमियत मैंने आज तक किसी चीज को दी नहीं, किसी को भी नहीं। मैं ऐसी बातें याद ही नहीं रखता हूं जिससे दिलों में दूरियां पैदा होती। भाई आप भी सब कहा सुना भुला दें, जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हम सब साथ हैं, बिल्कुल इस मुट्ठी की तरह। Thank you so much.
That's all. हिम्मत नहीं हारनी, सब ठीक हो जाएगा। शहीर भाई को हमारी तरफ से भी तसल्ली दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। सैम का फोन था। अब शहीर भाई काफी अपसेट है। बिलाल, मुझे तुम्हारी खामोशी से बहुत वहशत हो रही है। मैंने तुम्हें रोका तो नहीं है, चाहो तो जा सकती हो। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। हमने अच्छा वक्त साथ गुजारा है तो बुरा वक्त भी साथ गुजार लेंगे। और जहां तक बात रही जॉब की, तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल वो भी मिल जाएगी। ये जो बेईमानी और खुदगर्जी का लेबल मेरे माथे पर लगा हुआ है ना, इसके बाद कोई भी इदारा मुझको ट्रस्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता बिलाल, यहाँ लोग सब कुछ भूल भाल जाते हैं। वो अच्छा, यहाँ तो भूल सकते हैं, लेकिन किसी का किया हुआ गुनाह कभी नहीं भूलता। इसलिए झूठी तसल्लियां देना बंद कर दो। क्या कहा तुमने? हाँ, ये फ्लैट तो रेंट का है ना, तुम किन कागजात की बात कर रहे हो तुम? हाँ, तुम एक काम करना, वो दादी वाला सेट भी निकलवा लेना, शायद वो भी बेचना पड़े। दादी का सेट? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो? अली, वो तो मैंने सेल आउट कर दिया। तेरा वादा अगर वफा होगा। हाँ बस बेटा, आजमाइश की घड़ी है, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। तुम बहन हो, दुआ करो, बहनों की दुआ में बहुत असर होता है। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अपना ख्याल रखना। अच्छा बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया था, बस एक गुजारिश करनी थी तुमसे। आंटी, आप मेरी माँ जैसी हैं, आप गुजारिश नहीं हुक्म किया करें। नहीं बेटा, बस जो कुछ पहले हुआ है उसे भूल जाओ और अब नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। मैंने कुछ अपने जेवरात निकाले हैं अली और शहीर के बिजनेस के लिए। कहते हुए तो मुझे शर्म आ रही है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम चाहो तो अपने भी कुछ जेवरात दे सकती हो। आंटी, मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि अली और शहीद भाई का बिजनेस ग्रो करे? मैं अभी ले आती हूँ ज्वेलरी। मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूँ, और माएं बिला झिझक अपनी बेटियों से कुछ भी कह सकती हैं। जीती रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दोगी। देखिए, इस ऑर्डर को वक्त पर कम्प्लीट करना बहुत जरूरी है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं, फैक्ट्री में आग लग गई है, बुरी तरह से जल गई है। आप सिर्फ मुझे कॉस्ट बता दीजिए, मैं पैसे अरेंज कर लूंगा, क्योंकि अगर ये ऑर्डर वक्त पर ना दिया गया तो हमें बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा जी। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ सारा, क्या कर रही हो? आंटी को ज्वेलरी देने है। मत करो ये सब, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कोशिशें कर रहा हूँ, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा, अरेंजमेंट कर लूंगा मैं। अली, हम सफर मुश्किल वक्त में ही काम आते हैं, और मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता। माने रखते हैं तो रिश्ते और उनसे जुड़ा प्यार। कितना खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे तुम जैसी साथी मिली, इतनी चाहने वाली, सुलझी हुई, समझदार। अच्छा, अब तारीफें बंद करें, देर हो रही है। आंटी वेट कर रही हैं, उन्होंने शायद किसी ज्वेलर को बुलाया। हाँ, तुम एक काम करना, वो दादी वाला सेट भी निकलवा लेना, शायद वो भी बेचना पड़े।
शादी का सेट? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो अली? वो क्या? वो सारा बताओ, क्या बात है अली? वो तो मैंने सेल आउट कर दिया। क्या क्या कह रही हो तुम ये? अली आपको याद है ना, शायान ने शेयर्स के लिए इरफान से पैसे उधार लिए थे, कितनी बुरी लड़ाई हुई थी उनकी। वो फरा के लिए गलत सलत बातें कर रहा था, ऐसे में मुझे कुछ समझ नहीं आई, फौरन उधार चुकाना था और मुझे नहीं पता था कि वो आपकी दादी का सेट है। अरे यार, तुम्हें बेचना भी था तो कम से कम मुझसे एक दफा पूछ तो लेती, बताती तो सही मुझे। लेकिन तुम मुझे कभी भी अपनी किसी बात किसी फैसले में इन्वॉल्व ही नहीं करती हो। और किस उधार की बात कर रही हो तुम? जिस दिन शायान की लड़ाई हुई थी ना, उसके अगले ही दिन मैंने उसे चेक दे दिया था। फिर क्या जरूरत थी ये सेट बेचने की? चेक दे दिया था? क्या मतलब है? शायान ने तुम लोगों को घर में किसी को ये बात नहीं बताई कि मैंने उसे चेक दे दिया? अली मुझे बताया होता तो मैं सेट थोड़ी ना बेचती। और अगर उसने नहीं बताया तो आप तो मुझे बताते। अरे कैसे बताता यार, मुझे लगा तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाएगी, तुम मुझसे मदद लेना ही नहीं चाहती हो। सारा तुम बीवी हो मेरी, क्यों नहीं समझती हो कि तुमसे जुड़ी हर जिम्मेदारी को निभाना फर्ज है मेरा? ये मैं क्या सुन रही हूं, तुमने सेट बेच दिया? आंटी वो मुझे नहीं पता था कि दादी का सेट है। वो तुम्हें देते हुए बताया नहीं था कि इस सेट की कितनी अहमियत है? मां वो मैं भूल गया था, मेरे जहन से निकल गया था। ठीक है, तुम्हारे जहन से निकल गया था, बेचते वक्त तुम नहीं बता सकती थी मुझे, पूछ नहीं सकती थी मुझसे? और तुम्हारी नजर में शौहर की इतनी भी अहमियत नहीं है कि इसे बता देती? आंटी शर्मिंदगी के मारे कुछ ना पूछ सकी ना बता सकी। सत कह जाओ मैं तुम्हारी शर्मिंदगी के, बेच भी दिया और पूछा तक नहीं। मुझे माफ कर दे। इतनी बार माफिया मांगोगी मुझसे तुम? सारा हर बार पुरानी रंजिशों को बुलाकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तुम फिर से कुछ ना कुछ करके मुझे गुस्सा दिला देती हो, और इस बार तो तुमने हद ही कर दी सारा। अली तुम तो इतना दम भरते हो इससे प्यार का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों में इतना भी एतमाद है कि आपस में एक दूसरे से कोई बात भी कर सको। अली प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात सारा? बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? मां बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें मुझ पर एतबार ही नहीं है, भरोसा ही नहीं करती हो तुम मुझ पर कि अपनी बातें मुझसे शेयर कर सको। मैं शौहर हूं तुम्हारा, तुम्हारे दुख सुख का साथी हूं, लेकिन तुम हर बार मुझसे यही बातें छुपाकर मुझे ये जाहिर कर देती हो कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नजर में। नहीं अली ऐसा नहीं है। प्लीज सारा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहां से। जस्ट गो अवे सारा। खाने का दिल नहीं जा रहा सर। शहीर सुबह भी आपने नाश्ता ठीक से नहीं किया और रात को खाना भी नहीं खाया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज परेशान मत हो। और मेरी भी एक दो एजेंट से बात चल रही है, जैसे ही मुझे अच्छी प्राइस मिलेगी मैं सैलून बेच दूंगी। तुम पागल हो सैम, कोई जरूरत नहीं अपना सैलून बेचने की, इतना अच्छा खासा एस्टैब्लिश बिजनेस है तुम्हारा यार। मेरे लिए तुमसे ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है शहीद, तुम जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ ना दूं। बेहिस बन के तुम्हें इन हालात से अकेले लड़ते देखती रहूं, मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूं। हम दोनों दुख सुख मिलकर बांटकर जिंदगी जिएंगे। मैं इस लायक ही नहीं था कि मुझसे जुड़ा हर रिश्ता वफा निभाता हो। माँ अपनी ज्वेलरी बेच रही,
अली ऑर्डर्स कंप्लीट करवाने की कोशिशों में लगा हुआ है और तो अपना सलून बेचने की बातें कर रही हूं मैं। अगर खुद के किए पर नजर डालूं तो अपना आप बहुत छोटा लगता है मुझे। जो हो गया शहीर उसे दोहराने की बजाय मूव ऑन कर। इस दुनिया में पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है सिवाय पुरखलूस रिश्तों के। इसलिए अपनों और अपनों के प्यार की कदर करना। वक्त के हाथों जो ठोकर लगी है और जिस तरह अपनों ने मुश्किल वक्त में साथ निभाया उसके बाद तो मैं नाकदरी का सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर से भी पूछ लीजिएगा कि यही मेडिसिन कंटिन्यू करवानी है। अरे चेकअप करवाने जा रहे हैं, कोई मेडिसिन में चेंज हुआ तो डॉक्टर खुद कर देगा, इसमें बोलने की क्या जरूरत है। अरे वो बेचारी भी तो मेरी फिक्र में ही बोल रही है ना। मैं जरा अपना वॉलेट लेकर आया। देख रहा बेटा कौन है। आजा मुझे अम्मी से अकेले में कुछ बात करनी है। बेटा तुम अंदर जाओ। क्या बात है सारा, सब ठीक तो है ना। अम्मी मेरी बर्दाश्त से सब बाहर होता जा रहा है। मैं कितनी बार और कितना शर्मिंदा करवाओगे तुम तो मुझे अली के सामने। क्या किया इसे? पूछे इसे। जब मैंने इरफान का उधार चुकाने के लिए सेट बेच दिया था तो इसने अली से पैसे क्यों लिए? नहीं नहीं बेटा, इसने अली से कोई पैसे नहीं लिए। ये उसके ऑफिस जरूर गया था लेकिन इसके पैसों के बारे में अली से कोई बात नहीं हुई। इसने मुझे बताया था। झूठ बोला इसने आपसे, इसने अली से चेक लिया है। मुझे तो दोहरी शर्मिंदगी उठानी पड़ी इसकी वजह से, अलग और सेट बेचने पर अलग। अम्मी मेरा मस्त नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। और भी कुछ उपाय तो बता दो, अभी बताओ। हिम्मत नहीं है मुझ में रोज रोज अपने शोहर से बेइज्जत हूं तुम्हारी वजह से मैं। नहीं नहीं सारा, अली को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। शायान तुम बताते क्यों नहीं हो सारा को, सारी बात बता दो। शायान, शायान तुमसे कुछ पूछ रही हूं। शायान तुम बोलते क्यों नहीं हो, जवाब दो। हाँ लिया था चेक। मैं क्या करता, अम्मी पैसों की हवस ही ऐसी थी, जितने मिल रहे थे कम लगे। शर्म आती मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। इससे तो अच्छा था कि तुम पैदा ही ना हुए होते। कम से कम सारा को रोजाना वो शर्मिंदगी तो ना उठानी पड़ती जो तुम्हारी वजह से इसे उठानी पड़ रही है। दूर हो जा मेरी नजरों से, दफा हो जा। सारा, सारा मुझे इसके इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था वरना मैं इसे रोक देती। और आपके रोकने से ये रुक जाता मैं। आपको पता है वो जो सेट बेचा था मैंने, वो कोई मामूली सेट नहीं था, वो अली की दादी का सेट था। हकीकत के बारे में तो ना तुम्हें कुछ पता था ना मुझे। हकीकत का पता चल जाता अगर आप मुझे अली से छुपाने के लिए फोर्स ना करती तो। अभी सारा मैंने इसलिए छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अपने मैके की वजह से तुम ससुराल में शर्मिंदगी का सामना करो। और अब क्या हुआ अम्मी, क्या मैं शर्मिंदा नहीं हुई सबके आगे? अली तो नाराज हुए ही हुए, आने की नजरों में मैं अलग बचपन को। सारा, सारा बेटा। जी 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 बिल्कुल ठीक है, ठीक है मैं आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। मैंने कुछ जगहों पे अपनी सीवी भेजी थी, उन्हीं में से एक जगह से कॉल आ गई है इंटरव्यू के लिए। बिलाल तुम और मैं कोई अलग थोड़ी हैं। तुम जॉब करो या मैं जॉब करूं, एक ही बात। एक ही बात नहीं है मारिया, मैं घर बैठकर तुम्हारी कमाई नहीं खा सकता। बिलाल, बिलाल, तुम क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो?
हम दोनों में से किसी एक को तो जॉब करनी ही पड़ेगी ना। सैम थोड़ी हमारे घर का खर्चा चलाती रहेंगी। और वैसे भी मेरी सैम से बात हुई थी, वो शहीर भाई को सपोर्ट करने के लिए अपना सलून बेच रही है। जब वो अपने बुरे वक्त में अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे होते हुए तुम जॉब करो। तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है, ना कि तुम मेरा बोझ उठाओ। बिलाल, मेरी ही हद से बड़ी ख्वाहिशात ने तुम्हें इस बंद गली में ला खड़ा किया। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से जो अजियत तुम्हें सहनी पड़ी, लोगों के रवैये बर्दाश्त कर रहे हो, सबकी जिम्मेदार मैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। कैसे कैसे माफ कर दूं? जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद मेरी जिंदगी अजियत बन चुकी है। पहले ही लोगों के रवैये बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, और अब तुम्हें जॉब करता देखने की जो अजियत मुझे सहनी पड़ेगी, पता नहीं मैं वो सह पाऊंगा अभी। तुम्हें क्या सोचती होगी किस शख्स से शादी हुई है तुम्हें, किस लालची खुदगर्ज इंसान से शादी हुई जिसकी रोज रोज कोई नई कहानियां तुम्हारे सामने आ रही। नहीं नहीं, गलतियां नहीं, पुरानी गलतियां जो सामने आ रही हैं, वो भी वो जो शायद जाने अनजाने में तुमसे हो गई। लेकिन मेरी गलतियों की वजह से सारा कुछ शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, और ये सोच सोच कर मुझे लगता है मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। अम्मी सही कहती है, हाँ अम्मी सही कहती हैं, मेरे ना होने की वजह से शायद सब कुछ बदल जाता। मैंने अम्मी और अपनी बहनों को टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं दिया। मेरा दिल करता है, मेरा दिल करता है मैं खुद को गोली मार। क्या हो गया है शायान? जो हो चुका वो हम बदल नहीं सकते। ये ना बदलना ही तो मसला है आयजा। काश मैं शॉर्टकट के चक्कर में इरफान के पास घर के कागजात गिरवी ना रखता, तो शायद अली भाई से चेक लेने की नौबत ना आती और सारा को अपना सेट ना बेचना पड़ता। क्या कहा तुमने? हाँ ये फ्लैट तो रेंट का है ना, तो किन कागजात की बात कर रहे हो तुम? बताओ मुझे, किन पेपर्स की बात हो रही है बताओ? क्या हुआ? ये फ्लैट रेंट का है ना, तो ये किन कागजात गिरवी रखने की बात कर रहे हैं? अम्मी मुझे सच सुनना है। रहने तो सारा, कुछ कुछ बातों से अनजान रहना ही बेहतर है। मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ, बताएं अम्मी। शादी से पहले अली ने फ्लैट मेरे नाम कर दिया था और मुझसे कहा था कि मैं तुमसे ये बात छुपा कर रखूं। उन्होंने कहा और आपने मान लिया? मैं और क्या करती सारा, खुदा गवाह, हमेशा किराए के घरों में दरबदरी की जिंदगी गुजारी है मैंने। अपनी छत खरीदने की औकात नहीं थी मेरी। औकात? औकात तो आपने दो कौड़ी की मेरी कर दी अम्मी। कितने गुरूर से मैं अली से कहती थी कि मैं अपने मैके को सपोर्ट करूंगी। हंसते होंगे वो दिल में मेरी बातों पे कि बड़ी खुददार बनती है जिस मैके को सपोर्ट करने की बात करी है, उनको तो घर तक मैंने खरीद कर दिया है। मेरे तो वहमो गुमान में नहीं था कि जिस घर का मैं रेंट पे कर रही हूँ वो तो कब का आप अपने नाम करवा चुकी है। मैंने अपने नाम नहीं करवाया था, अली ने खुद ये घर मेरे नाम किया था। रही बात किराए के पैसों की, तो हाँ मैं किराए के पैसे लेती थी तुमसे, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी औलाद और इस घर के खर्चों के लिए। तुम्हारी तरह कमा तो सकती नहीं थी, इसलिए हमेशा तुम्हारे आगे हाथ फैला कर रखती थी। जब से तुम्हारे बाबा मर, तब से लेकर आज तक मैंने कभी कोई पैसा अपने ऊपर नहीं लगाया।
तन को ढांपने के लिए कपड़ों में लगे पेवत कभी छुपे तो नहीं थे ना तुमसे। घर में जो भी रूखी सूखी पकती थी मैं खा लिया करती थी। आज तक एक रुपया जो मैंने कभी अपनी ख्वाहिशों पे लगाया मैं क्या करती। माँ थी ना तुम्हारे साथ साथ मुझे अपनी माँ की बच्चों की भी फिक्र लगी रहती थी। अब तुम इसे मेरी खुदगर्जी कहो या मेरी बेबसी, मुझे जो बेहतर लगा सारा मैंने वही किया। कुछ भी करती लेकिन ये ना करती। आप अली से ये मदद ना मांगती। आपने बहुत गलत किया मेरे साथ, बहुत गलत किया है आपने मेरे साथ। मेरा गुरूर, मेरा मान, आपने सब सब हट्टी में मिला दिया। तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, खूने आशिक मिला हुआ Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.